नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस प्लेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे स्टॉक्स के बारे में जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, साथ साथ डेफ्ट फ्री है। बहुत सारे कमेंट्स आते थे, सर ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताइए जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, साथ ही साथ वो डेफ्ट फ्री हो। हम इस वीडियो में आपके लिए 20 स्टॉक्स लाए जो कि बिल्कुल डेफ्ट फ्री है और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स हैं। साथ ही साथ आपके साथ प्राइस भी डिस्कस करेंगे, आपको किस प्राइस पर बाय करना चाहिए, क्योंकि अभी जो मार्केट में गिरावट आई है, मार्केट में जो करेक्शन आई है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे प्राइस पे बाय करनी है जो कि आपके लिए रिजनेबल हो। मतलब इस लॉकडाउन के सिचुएशन के बाद अगर मंदी भी आती है तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कर सके। तो चलिए हम वैसे 20 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल डेप्ट फ्री है। तो इन सारे डेप्ट फ्री स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा कर लें, सिर्फ हमारे कहने पर आप इन्वेस्ट ना करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले लें और जो थोड़ा रिसर्च है अपना कर लें। और इसमें से जो स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं तो 20 में से आपको जो 5 और 10 स्टॉक्स है आपको सेलेक्ट करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है और उसका थोड़ा जो रिजनेबल प्राइस होगा उस प्राइस पे आप इन्वेस्ट कीजिएगा। और थोड़ा SIP मोड में करना है कि थोड़ा अभी किए, आप 5 भाग में अपने मनी को डिवाइड कर लेंगे, इस लेवल पर फिर किए, अगर प्राइस गिरता है तो फिर निचले लेवल पर करेंगे, इस तरह से SIP मोड में इन्वेस्ट करेंगे। तो चलिए इन 20 स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ बैलेंस शीट पर हम दिखाएंगे कि आपको ये डेफ्ट फ्री कैसे है, मतलब इसके बैलेंस शीट पर आपको जीरो डेफ्ट हम दिखाएंगे। तो अभी देख सकते हैं जो हमारा पहला है FMCG सेक्टर से HUL। दोस्तों HUL बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। HUL अगर आपने नीचे के प्राइस लेवल पर इसे बाय किया है तो बिल्कुल बने रहिएगा, ये इस गिरावट के माहौल में भी अभी देख सकते हैं अपने प्राइस पर स्टैंड है, मतलब अपने प्राइस पर बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है और निफ्टी 50 में टॉप 3 में आने वाला स्टॉक्स है। अभी ये तीसरे रैंक का स्टॉक्स है तो निफ्टी 50 में हमेशा टॉप 5 में ये स्टॉक्स रहता है। तो HUL बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक्स है। चलिए हम 1 ईयर का इसका प्राइस देख लेते हैं। 1 ईयर में जो 52 वीक हाई बनाया है, 2600 बनाया है और देख सकते हैं 1656 रुपीज़ ये 52 वीक लो बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने 52 वीक हाई के करीब ही है, तो इसमें थोड़ा सा भी करेक्शन होता है, मतलब जैसे ये 2000 के नीचे आता है तो आप इसमें अपना स्टेक ले सकते हैं, SIP मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 1900 के आसपास आता है तो आप और अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो SIP मोड में आप इसमें इन्वेस्ट करें। हम देखिए मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आ चुके हैं, तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा स्टॉक है HUL। देख सकते हैं टोटल डेप्थ, यहाँ पर देख लीजिए आप टोटल डेप्थ इस कंपनी के पास कितना है, ये देख सकते हैं टोटल डेप्थ 0, टोटल डेप्थ 0, हमेशा के लिए 0, पहले से ही इसमें 0 रहा है। तो देख सकते हैं ये हमारा जो HUL है इस कंपनी के बैलेंस शीट पर कितना डेप्थ है, 0। ये अभी फाइनेंशियल 2020 का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, जैसे रिजल्ट आता है 2020 का भी आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल वेबसाइट पर आप आएंगे और ओल्ड फॉर्मेट में जा करके देखेंगे तो आपको देखने में आसानी होगी। जो टोटल डेप्थ है 0 है इस कंपनी का, लेकिन लाइबिलिटीज़ है, कंपनी जो लगातार अपना बिजनेस करती है तो उसमें जो लेन देन होता है तो इतना अभी इन्हें देना है किसी को, लाइबिलिटीज़ है कंपनी के पास, लेकिन जो टोटल डेप्ट है बैलेंस शीट पर 0 है। तो देख सकते हैं अब हम थोड़े इसके प्राइस को डिस्कस कर लेते हैं कितना रिटर्न दिया है। चलिए हम मैक्सिमम ईयर में चलते हैं तो देख सकते हैं इसका आप इसका पैटर्न देख लीजिए, चार्ट देख लीजिए इसके रिटर्न का, कितना बेहतरीन मूवमेंट चार्ट है, देख सकते हैं पूरी तरह से अप ट्रेंड में है। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है और इसका प्राइस आप ट्रेंड देख सकते हैं लगातार अप रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में आप कर सकते हैं, बस थोड़ा आपको इसके रिजनेबल प्राइस पे आपको बाय करना है। अभी जो ये थोड़ा हाई प्राइस पे है, थोड़ा सा करेक्शन इसमें आता है तो आप इसमें स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, अपना स्टेक ले सकते हैं। अब दूसरा स्टॉक है हमारा, वो है सिप्ला। तो देख सकते हैं हमारा फार्मा सेक्टर में पिछले कई सालों से जो है कोई मूवमेंट देखने नहीं मिला है, अब आप इसमें मूवमेंट देख सकते हैं, धीरे धीरे इसमें एक तेज़ मूवमेंट देखने आपको मिलेगा। तो अभी ये 600 के प्राइस पे है और वही 52 वीक लो देख सकते हैं, तो 355 रुपीज़ का है और 52 वीक हाई 614 रुपीज़, जो कि अपने ये 52 वीक हाई के करीब ही है। तो इस तरह से आप सिप्ला में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका जो आप देख सकते हैं लंबे समय का चार्ट देख लेते हैं तो इसका भी देख सकते हैं चार्ट अप ट्रेंड ही रहा है, इसका भी चार्ट जो है थोड़ा सा अप ट्रेंड ही आपको देखने मिलेगा, देख लीजिए इस तरह का चार्ट
थोड़ा सा ये पिछले एक दो साल से इसमें मूवमेंट फार्मा सेक्टर में नहीं था, इसलिए आपको ये स्टॉक थोड़े नीचे के प्राइस पे मिल रहा है। आप देख लेते हैं इसका बैलेंस शीट, तो देख लीजिए इसका बैलेंस शीट। तो देख लीजिए ये हमारा मनी कंट्रोल की वेबसाइट है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ सिप्ला लिमिटेड, यहाँ पर देख लीजिए सिप्ला लिमिटेड है। और नीचे चलते हैं हम बैलेंस शीट में, टोटल डेप्थ यहाँ पर देख सकते हैं ये डेप्थ जीरो हो गया। पहले डेप्थ था 174 क्रोर्स का डेप्थ था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। देखिए पहले कंपनी के पास बहुत सारा डेप्थ था, देख लीजिए इधर अब सारा डेप्थ ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर जीरो डेप्थ। कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ है, मतलब जो बिजनेस करती है तो जो देनदारी है जो देना है वो है, लेकिन जो फाइनेंशियल 2019 है उसमें डेप्थ जीरो हो चुका है कंपनी का। 2020 का रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो देखते हैं ये सारे कंपनियाँ डेप्थ फ्री है बिल्कुल। तो चलते हैं तीसरे कंपनी को, और तीसरा है लाल पैथ लैब। दोस्तों हमारा फेवरेट स्टॉक में से ये एक है क्योंकि ये इस कंपनी बिल्कुल डेप्थ फ्री है और ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग भी नहीं है, अभी इस कंपनी में ग्रोथ भी मतलब बचा हुआ है, इसमें ग्रोथ होना बाकी है। मात्र देख सकते हैं 2017 में ये लिस्टेड मतलब कंपनी लिस्ट हुई है और 2017 से आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस मूवमेंट है, देख सकते हैं अप ट्रेंड में ही है। अभी जो हमारा सिचुएशन ख़राब है, सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, नहीं तो ये देख सकते हैं ये इस सिचुएशन का आने से पहले ये पूरी तरह से अप ट्रेंड में था। तो अब बिल्कुल नया लिस्टिंग है और कंपनी में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी है, तो बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है ये। बैलेंस शीट पर दिखा देते हैं, ये पूरी तरह से डेप्ट फ्री कंपनी है, हमारे फेवरेट स्टॉक में से एक है ये। यहाँ पर देख सकते हैं डेप्ट बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ देख सकते हैं कभी भी कंपनी के पास कोई डेप्ट नाम का चीज़ था ही नहीं, देख सकते हैं आप इस कंपनी के पास बिल्कुल डेप्ट फ्री। जब से ये हमारा लिस्ट हुआ है, जब से ये बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, तब से ये कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। कंपनी के पास कुछ लाइबिलिटीज़ है, आगे की वीडियो हम चर्चा करेंगे, जैसे मनी कंट्रोल वेबसाइट में आप कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर सारी कंपनियों के बारे में कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो आगे के वीडियो में हम मनी कंट्रोल वेबसाइट को कैसे आप यूज करेंगे, क्या क्या चीज़ मनी कंट्रोल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, फिर हम बताएंगे NSE वेबसाइट से आप कैसे कंपनियों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक बहुत कम आ रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको जो ऐसे स्टॉक्स हम रिसर्च करके दे रहे हैं ये बहुत मेहनत लगा है। हमने अब भी पिछले कई सालों से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कई सालों का मेरे पास एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का बहुत सारे, ये जैसे लाल पैथ लैब है इस पर हमारा अपना इन्वेस्टमेंट है, HUL अपना इन्वेस्टमेंट है, इन सब स्टॉक्स में हमारा पहले से मतलब इन्वेस्टमेंट है। और जैसे ये नीचे आएगा अभी प्राइस, अभी देख सकते हैं ये भी 52 वीक हाई के करीब है, आप लाल पैथ लैब भी देख सकते हैं कि ये अपने 52 वीक हाई के करीब है, इसका 52 वीक हाई आप देख लीजिए, देखिए कितना है 1846, और ये अभी देखिए 1500 का पास है, क्योंकि 52 वीक लो देखिए 955, अपने 52 वीक लो से बहुत ही ऊपर है। और ये हो गया लाल पैथ लैब, और अगले स्टॉक पे चलते हैं हम। अगला स्टॉक है हमारा इसी फार्मा सेक्टर से, अबॉट इंडिया लिमिटेड, देख सकते हैं अबॉट इंडिया लिमिटेड, ये हमारा बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, लेकिन इसमें जो प्राइस आपको मिलेगा वो थोड़ा ये ऊपर मूव कर चुका है, तो जब तक इसमें करेक्शन नहीं होता है तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह है, ऐसे आपका इच्छा। देख सकते हैं ये इसका चार्ट देख लीजिए, इसका शेयर प्राइस का ये बहुत ही तेज अप ट्रेंड में है, देख सकते हैं बहुत ही तेज अप ट्रेंड में है, और ये अपने 52 वीक हाई के करीब है, देख सकते हैं 52 वीक हाई 18,500, और ये अभी है कितना 17,300 पर, तो अपने 52 वीक हाई के करीब है। जब तक इसमें कोई करेक्शन नहीं आ जाता थोड़ा सा, आप इसमें इन्वेस्ट करने से बचें। और ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे ये अमेरिका हो गया वहाँ सप्लाई करने में मेडिसिन, इससे कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि एक MNC कंपनी है। बैलेंस शीट देख लेते हैं इस कंपनी का, बैलेंस शीट पर कितना कर्ज है, हमारे अनुसार ये कंपनी बिल्कुल डेप्थ फ्री है, लेकिन आपको हम बैलेंस शीट पर दिखाते हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट पर, ये कंपनी बिल्कुल डेप्थ फ्री है, इस कंपनी के बैलेंस शीट में आपको कोई भी डेप्ट देखने नहीं मिलेगा। तो ये देख सकते हैं हमारा अबाउट इंडिया लिमिटेड, जो हमारा मनी कंट्रोल की वेबसाइट है उस पर हम आ चुके हैं अबाउट इंडिया, यहाँ देख सकते हैं अबाउट इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर प्राइस भी आपको BSE पर देखने मिल जाएगा, NSE पर प्राइस कितना है और BSE पर कितना है, और यहाँ पर देख लीजिए डेप्ट बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है ये,
तो देख सकते हैं बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। तो ऐसे कंपनियां अगर आपको मिलते हैं और इसके स्टॉक्स आपको थोड़े अच्छे प्राइस पर मिलते हैं जो कि फेयर वैल्यू हो, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये थोड़ा हायर प्राइस पर चल रहा है, तो थोड़ा सा आप अपना रिसर्च कर लेंगे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आगे इसमें मूवमेंट देखने मिलेगा या इसी तरह का मूवमेंट रहेगा या मूवमेंट आगे ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देख लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि अभी आप इन्वेस्ट कर दें और कुछ दिन बाद स्टॉक नीचे आने लगे तो आपको लगे कि मेरा पोर्टफोलियो जो है निगेटिव में जा रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ा रिसर्च कर लेना है। अगला है हमारा, देख सकते हैं इन्फोसिस, अगला है हमारा इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस बिल्कुल ही डेब्ट फ्री कंपनी है। आईटी सेक्टर में जो हमारा इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, एससीएल टेक हो गया, ये सब डेब्ट फ्री कंपनी है। अब इसमें 5-10 करोड़ अगर डेब्ट देखने मिलता है तो वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इस कंपनी के पास बहुत सारे रिजर्व कैश हैं। आपको बहुत सारे रिजर्व देखने मिल जाएंगे, मतलब कैश मिल जाएंगे, रिजर्व बन जाएंगे, बहुत सारे इन्वेस्टेड मनी मिल जाएंगे। तो बहुत इस सब कंपनी के पास बहुत सारे मतलब मनी जो रिजर्व के रूप में रखा हुआ है। तो देख सकते हैं ये चार्ट पूरी तरह से अप ट्रेंड में, देख सकते हैं लगातार ये देखिए यहाँ पहाड़ गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये देख सकते हैं इस तरह का चार्ट है पूरी तरह से अप ट्रेंड। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है और बहुत ही अच्छे प्राइस पर अभी आपको मिल रहा है, तो आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बैलेंस शीट पर देख लेते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, तो ये देख सकते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इन्फोसिस लिमिटेड, यहाँ पर आप, और यहाँ पर टोटल डेप्थ देख लीजिए इस कंपनी के पास कितना है, जीरो, बिल्कुल डेप्थ जीरो है। एक देख सकते हैं एक रुपया का भी डेप्थ नहीं है इस कंपनी के पास, बिल्कुल डेप्थ फ्री कंपनी है। लाइबिलिटीज़ है कंपनी के पास, मतलब जो लगातार इनका काम काज हो रहा है तो उसमें जो लेन देन होती है उसी को लाइबिलिटीज़ कहते हैं, जो देनदारी होती है देना रहता है। लाइबिलिटीज़ है कंपनी के पास लेकिन डेप्थ बिल्कुल फ्री है कंपनी। जो डेप्थ होता है ये हमारे फंडामेंटल एनालिसिस का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कंपनी डेप्थ फ्री है तो वो फंडामेंटल बिल्कुल ही सही है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। आपको कंपनी का मैनेजमेंट देखना पड़ता है, बिजनेस का आगे ग्रोथ देखना पड़ता है, बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी का रेपुटेशन कैसा है, तो बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है एक फंडामेंटल एनालिसिस में। तो कंपनी का जब देखते हैं फंडामेंटली मजबूत है, उसमें से डेब्ट भी आता है कि कंपनी का डेब्ट कितना है, तो एक छोटा सा अंग है, छोटा सा हिस्सा है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का डेब्ट फ्री होना। क्योंकि कंपनियां डेब्ट फ्री है और उसमें ग्रोथ है, उसका बिजनेस अच्छा है, तो निश्चित ही कंपनी ग्रो करेगी तो उसका स्टॉक्स भी हमें अच्छा रिटर्न देगा। तो अगला स्टॉक है, अगला स्टॉक देख सकते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक्स है ये, देख सकते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज अपने 52 वीक हाई देख सकते हैं 1709 रुपीज़ से अभी जो है हमारा ये कुछ मतलब 200 नीचे आपको देखने मिल रहा है, अपने 52 वीक हाई से कुछ ही नीचे है। और भी नीचे इसमें करेक्शन होता है तब आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचें। अभी ये थोड़ा आपको हायर प्राइस पे मिल रहा है, तो जैसे इसमें और करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चार्ट देख लीजिए, चार्ट तो देखने में ज़बरदस्त है, आप देख लीजिए चार्ट एक बार देख करके आप समझ जाएंगे कितनी कंपनी ज़बरदस्त रिटर्न दी है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो एक लंबे समय में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट दी है कंपनी। तो बैलेंस शीट पर देख लेते हैं क्या इसका ये कंपनियाँ डेब्ट फ्री है, तो बिल्कुल भी आपको हम दिखा रहे हैं कि कौन सी कंपनियाँ डेब्ट फ्री है मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर। तो देख सकते हैं ये कंपनी बिल्कुल ही डेब्ट फ्री है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा इसमें आपको ग्रोथ आगे देखने मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है ये कंपनी अभी तक। तो चलते हैं अगले स्टॉक्स पे। तो अगला स्टॉक्स है हमारा वह इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। देख सकते हैं ये गैस सेक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी है, ये कंपनी अभी और भी करेक्ट होगी, क्योंकि अभी जो हमारा जो पर जो मिल रहा है क्रूड ऑयल बहुत ही लो कॉस्ट पे मिल रहा है, तो ऐसे में इंद्रप्रस्था गैस आपको और नीचे आते हुए देखने मिलेगा और इसमें प्राइस में करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, बिल्कुल डेब्ट फ्री स्टॉक्स है और इन्वेस्ट रिटर्न देख लीजिए इस स्टॉक्स का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना अच्छा रिटर्न दिया है। देख सकते हैं प्राइस चार्ट जो है बिल्कुल अब ट्रेंड में है और इसमें अभी थोड़ा सा आपको करेक्शन देखने मिल रहा है। देख सकते 52 वीक हाई इसका है 534 और अभी ये आपको मिल रहा है 464 रुपीज़ के प्राइस पर, और 52 वीक लो देख लीजिए 284 रुपीज़ है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है इंद्रप्रस्था गैस, आप इसमें बिल्कुल डेब्ट फ्री है। चलिए मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आपको हम दिखा देते हैं। तो हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर,
तो देख सकते हैं हम आ चुके हैं मनीकंट्रोल की वेबसाइट पर। ये है इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड और इसका टोटल डेप्थ देख लीजिए। तो पहले डेप्थ हुआ करता था इस कंपनी के ऊपर, आप देखिए पूरा डेप्थ जीरो है, देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल 16, 17, 18, 19 का 20 का रिजल्ट अभी नहीं आया और फाइनेंशियल 2019 तक बिल्कुल ये कंपनी डेप्थ फ्री है। जैसे फाइनेंशियल 2020 आता है तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी के ऊपर कोई डेप्थ नहीं है, बिल्कुल डेप्थ फ्री कंपनी है। चलते हैं अगले हम स्टॉक्स की ओर। अगला स्टॉक्स है हमारा अतुल लिमिटेड। दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है और ये देख सकते हैं 52 वीक हाई आपका और साथ ही साथ ये 1 ईयर का देख सकते हैं, आपको 1 ईयर का 52 वीक हाई दिखाते हैं। ये 5000 रुपीज़ का हुआ करता था, अभी आप देख सकते हैं 4300 के प्राइस पे आपको ये मिल रहा है। बहुत ही अच्छा स्टॉक से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी और एक लंबे पीरियड में देख सकते हैं इसका रिटर्न परसेंट देख सकते हैं। 2011 में ये 210 रुपये का हुआ करता, आज ये कंपनी हमारा 5000 रुपये के प्राइस को टच कर चुका है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर। तो आप इस कंपनी में जैसे और करेक्शन आता है थोड़ा सा तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये देख लीजिए, हम आपको बैलेंस शीट दिखा देते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर। तो ये देख सकते हैं हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आ चुके हैं और ये है हमारा अतुल लिमिटेड। इसका बैलेंस शीट आप देख लीजिए, ये हमारा अतुल लिमिटेड देख लीजिए, इसका बैलेंस शीट पे चलते हैं। तो ये टोटल डेप्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे आना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये हमारा जो यहाँ देख सकते हैं ये टोटल डेप्थ जीरो है कंपनी के पास, पहले डेप्ट हुआ करता था, अभी कंपनी के पर जो टोटल डेप्थ है जीरो है देख सकते हैं। पहले कंपनी के पास डेप्ट था, अभी इन्होंने अपना डेप्ट पूरा तरह से ख़त्म कर लिया है, बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी हो चुकी है। तो देख सकते हैं ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे और थोड़ा सा प्राइस को भी देखना है, किस प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए। जब आप फंडामेंटल रिसर्च करते हैं तो जो स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना, लेकिन किस प्राइस पर इन्वेस्ट करना है ये भी आपको रिसर्च करना होता है। इसलिए प्राइस किस प्राइस पे बाय करना इसके लिए आपको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस से हम जानते हैं कि किस प्राइस पे किस स्टॉक को बाय करना चाहिए। तो अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस आपको दे रहे हैं और अभी तो मार्केट में ऐसे ही करेक्शन आया हुआ है, तो जैसे नीचे के प्राइस पे आता है तो आप इन सब स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला है हमारा देखते हैं वाइरल पूल ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, देखते हैं लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। इसका डेप्ट देख लेते हैं तो ये बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। देख लीजिए टोटल डेप्ट जीरो है, कंपनी के पास टोटल डेप्ट बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइरल पूल इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी का नेम हो गया, यहाँ पर कंपनी के पास टोटल डेप्ट हो गया, देख सकते हैं बिल्कुल जीरो डेप्ट है। तो ये हो गया हमारा वाइरल पूल इंडिया लिमिटेड। अगले स्टॉक्स पर हम चलते हैं। अगला स्टॉक से हमारा बजाज फिन सर्विस लिमिटेड, देखते हैं बजाज फिन सर्विस। तो ये हमारा है बजाज फिन सर्विस, अभी है कितना 4700 के पास। कभी ये स्टॉक्स 10,000 रुपीज़ का हुआ करता था, यहाँ देखते हैं 52 वीक हाई यहाँ पर 9950 रुपीज़ के करीब। तो 10,000 रुपीज़ का ये स्टॉक हुआ करता था, अभी आपको 4700 में मिल रहा है। जैसे और थोड़ा सा इसमें करेक्शन आता है तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही गजब का स्टॉक्स है और बिल्कुल डेप्ट फ्री स्टॉक्स है। तो चलिए हम इसके बैलेंस शीट पर चलते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा बजाज फिन सर्विस, बजाज फिन सर्विस देख सकते हैं बिल्कुल डेप्ट फ्री स्टॉक्स है। इसके टोटल डेप्ट को देख लेते हैं, इस पर इस कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं, बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। मतलब कभी इस कंपनी के ऊपर डेप्ट था ही नहीं। तो देख सकते हैं इसका ये कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है, इस कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। चलते हैं अगले स्टॉक्स की ओर। तो अगला स्टॉक्स है हमारा बजाज ऑटो, बजाज ग्रुप की ही दूसरी कंपनी जो कि बिल्कुल डेप्ट फ्री है, वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, आप बजाज ऑटो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आप देख सकते हैं 52 वीक हाई ये 3315 रुपीज़ का हुआ करता था, अभी आपको 2300 का मिल रहा है, 2300 का। तो एक अच्छा करेक्शन इसमें आपको देखने मिला है और आपको 1000 रुपीज़ नीचे मिल रहा है। तो साथ ही साथ ये बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है और जैसे हमारा ऑटो सेक्टर अभी बहुत दिन से डाउन चल रहा है, जैसे इसमें करेक्शन आता है तो ये सारे स्टॉक्स फिर दौड़ने लगेंगे, सबसे पहले यही स्टॉक्स आपको दौड़ते हुए मिलेंगे। तो एक लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं ये चार्ट भी बिल्कुल अप ट्रेंड है, देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर। हम बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो बजाज ऑटो बैलेंस शीट देख लीजिए, बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है।
तो देख सकते हैं ये हमारा बजाज ऑटो का बैलेंस शीट है। नीचे चलते हैं, टोटल डेप्ट देख लीजिए, यहाँ पर टोटल डेप्ट जीरो। पहले इस कंपनी के ऊपर डेप्ट हुआ करता था, लेकिन फाइनेंस 2019 से कंपनी के पास बिल्कुल डेप्ट नहीं है। और ये है हमारा बजाज ऑटो, देख लीजिए मनी कंट्रोल वेबसाइट पर। अब हम चलते हैं अगले स्टॉक्स। अगला स्टॉक से हमारा देखिए एच डी एफ सी ए एम सी देखते हैं। एच डी एफ सी ग्रुप की बहुत ही बेहतरीन शेयर है और इसका भी करेंट प्राइस है 2589 रुपीज़ और 52 वीक हाई आप देख लीजिए 3844 रुपीज़ 52 वीक हाई है इस शेयर का। बहुत ही अच्छी कंपनी है, एचडीएफसी ग्रुप की है। और इसको हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है, टोटल डेप्ट यहां पर देख लीजिए, टोटल डेप्ट कंपनी का बिल्कुल ज़ीरो है एचडीएफसी एमसी। तो यहां से आप देख सकते हैं एचडीएफसी एमसी लिमिटेड कंपनी के पास जो टोटल डेप्ट है देख सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो, कोई भी डेप्ट कंपनी के पास नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है। चलते हैं हम एचडीएफसी के दूसरी कंपनी, एचडीएफसी ग्रुप की दूसरी जो कंपनी है हमारा वो है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बहुत ही अच्छा शेयर है, ये भी एचडीएफसी ग्रुप की शेयर है, बहुत ही बेहतरीन शेयर है, डेप्ट फ्री कंपनी है बिल्कुल। और प्राइस आपको हमेशा देखना है कि किस प्राइस को बाय करना चाहिए। देख सकते हैं 52 वीक हाई कितना है 646 रुपीज़, 52 वीक हाई कितना है 646, अभी मिल रहा है कितना में आपको 489 रुपीज़ पर। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, तो आप इस इन सभी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसके बैलेंस शीट को देख लेते हैं। और ये शायद नया लिस्टिंग है, चलिए तो इसका इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। और बिल्कुल नया है, देख सकते हैं बिल्कुल नया लिस्टिंग है। तो 2019 में लिस्टिंग ही हुआ इस शेयर का, इसलिए 52 वीक लो ये नहीं दिखा रहा है अभी तक। चलिए तो हम इसके बैलेंस शीट को देख लेते हैं कि कितना कंपनी पे कितना कर्ज है। वही HDFC AMC जो था इसका रिटर्न देख लीजिए एक लॉन्ग टर्म पीरियड में, देख सकते हैं इसका भी चार्ट अप ट्रेंड में है। अभी जो आप देख सकते हैं जो सिचुएशन है हमारा उसमें सारे स्टॉक्स पेटे हुए हैं, नहीं तो इस ये भी नया लिस्टिंग था और लगातार देख सकते हैं अप ट्रेंड में था ये लगातार ये स्टॉक्स HDFC AMC। और इसका बैलेंस शीट देख लीजिए आप, जो हमारा HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देख लीजिए बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है, देख सकते हैं कोई डेप्ट नहीं है कंपनी के पास, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक से हमारा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। पहले के लोग कहा करते थे इंडिया में या तो बाटा या तो टाटा, तो बाटा का स्टॉक से बहुत बेहतरीन स्टॉक्स है। ये स्टॉक्स जो हमारे अभी का सिचुएशन, इससे पहले ये लगातार ऊपर ही बढ़ते जा रहा था, देख सकते हैं कई सालों से 2017 से सिर्फ ये ऊपर ही जा रहा था, देख सकते हैं। और पहली बार इसमें करेक्शन देखने मिला है, देख सकते हैं पहली बार इसमें करेक्शन आया है, नहीं तो ये स्टॉक्स लगातार अपना नया पे नया हाई बनाते जा रहा था। तो देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। और देख लीजिए इस बैलेंस शीट इस कंपनी का, इस पर कितना डेप्ट है कुल, जो हमारा बाटा इंडिया है इसके बैलेंस शीट को हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा बाटा इंडिया, ये है हमारा बाटा इंडिया। और बाटा इंडिया देख सकते हैं इसका टोटल डेप्थ कितना है, ज़ीरो है। अभी मनी कंट्रोल वेबसाइट पर जाएं, अगले वीडियो हम बताएंगे मनी कंट्रोल वेबसाइट पर कैसे हम शेयर किसी भी स्टॉक्स के बैलेंस शीट को देखते हैं, कैसे हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं और कंपनी के बारे में जानते हैं। तो सारी चीज़ को हम जानेंगे अगले वीडियो में। मनी कंट्रोल वेबसाइट के बहुत सारे फीचर्स हैं, तो बहुत सारे फीचर्स इसमें, तो कुछ फीचर्स को हम जानेंगे जो टॉप 10 फीचर्स हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट के। चलिए तो अगला स्टॉक से हमारा IRCT, देखते हैं IRCT 2019 के लिस्टिंग का सबसे बेहतरीन शेयर, 2019 में जो लिस्टिंग हुआ उसका सबसे बेहतरीन शेयर है। देख सकते हैं ये जो लिस्टिंग हुआ था कुछ दिन ये देख सकते हैं कॉन्स्टेंट रहा, उसके बाद जब ये अप जाना शुरू किया तो जाते रहा और कुल 1930 रुपीज़ के प्राइस पर जाने के बाद ये फिर से नीचे आया, फिर से देख सकते हैं अप मूव कर रहा है ये, और फिर से इसमें आपको करेक्शन देखने मिलेगा। तो जैसे इसमें करेक्शन आता है तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। ये पूरी तरह से अपने क्षेत्र में बिजनेस मोनोपोली क्रिएट करता है। और देख सकते हैं इसका जो लो है लिस्टिंग जो हुआ था 625 रुपीज़ पर और 52 वीक हाई 2000 रुपीज़ पर पहुँच चुका था। इसलिए जैसे इस स्टॉक में आपको नीचे के प्राइस लेवल आता है 800 उससे नीचे, तो आप निश्चित है इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा,
जाएगा, क्योंकि ये कंपनी का बैलेंस शीट दिखाते हैं, बिल्कुल डेप्ट फ्री है, अपने क्षेत्र में मोनोपोली भी क्रिएट करता है और कंपनी का बिजनेस अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है। और देखते हैं अभी ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसके कारण ये इस कंपनी का बिजनेस बिल्कुल बंद है, इसलिए कंपनी आपको नीचे के प्राइस पर मिल रहा है। तो देख सकते हैं, चलिए हम इसके डेप्ट को दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का टोटल डेप्ट जीरो है, देख सकते हैं कंपनी का टोटल डेप्थ बिल्कुल जीरो है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन टोटल डेप्थ देख सकते हैं कंपनी का जीरो है, बिल्कुल जीरो, कोई डेप्थ इस कंपनी के पास नहीं है। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। अगले स्टॉक्स पे चलते हैं हम। अगला स्टॉक है हमारा गोदरेज ग्रुप से, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, देख सकते हैं गोदरेज ग्रुप का एक बेहतरीन शेयर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसका लॉन्ग टर्म हम देख लेते हैं रिटर्न कैसा है, देख सकते हैं लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखेंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन है। देख सकते हैं इसका चार्ट जो है लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतरीन है, लगातार अप ट्रेंड में था अभी से पहले, तो देख सकते हैं लगातार अप ट्रेंड में था, तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। और इसका बैलेंस शीट देखेंगे बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, साथ साथ डेप्ट फ्री कंपनी है। तो चलिए टोटल डेप्ट देख लीजिए, यहाँ पर कंपनी के पास टोटल डेप्ट जीरो है, कंपनी के पास कोई भी डेप्थ नहीं है, बिल्कुल डेप्थ फ्री कंपनी है। तो यहाँ से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, यहाँ से टोटल डेप्थ देख लीजिए आप नीचे आकर के, कंपनी के पास जो टोटल डेप्थ है वो जीरो है। तो देख सकते हैं यहाँ से टोटल डेप्थ इस कंपनी के पास बिल्कुल डेप्थ जीरो है, यहाँ से देख सकते हैं कंपनी के पास बिल्कुल डेप्थ जीरो है, तो बिल्कुल डेप्थ फ्री कंपनी है। अगले स्टॉक्स पे चलते हैं। अगला स्टॉक्स है हमारा अवनीति फीड्स। जैसे जैसे हमारा मतलब सिचुएशन नॉर्मल होता है तो ये स्टॉक्स आपको रॉकेट की तरह भागते हुए नजर आएगा। ये स्टॉक्स 250 रुपये पे आ चुका था, देख सकते हैं 52 वीक लो, देख सकते हैं 250 रुपया, 250 से ये गया मैक्सिमम कितना 770, देख सकते हैं 770। हम भी इस स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, जब ये स्टॉक 770 रुपीज़ पर गया हम इसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर सके, नहीं तो अभी हम स्टॉक्स को जो पहले से हम बाइक थे उससे तीन गुना, जैसे 250 पर आया तो हम उससे तीन गुना स्टेक ले सकते थे जितना हमारा पहले से इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि 770 पर बेचते फिर से हम 250 पर ख़रीद सकते थे। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, जब ये दौड़ता है तो फिर आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं और लॉन्ग टर्म में आप इसका रिटर्न देख लीजिए, बहुत ही गजब का रिटर्न है इस कंपनी का, देख सकते हैं यहाँ से देख लीजिए, पहले बहुत ही कम प्राइस पर था, यहाँ से जब रिटर्न देना शुरू किया था देख सकते हैं 52 वीक हाई, देखिए यहाँ 1500 रुपये तक गया, ये 1500 रुपये तक, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पर जो इन्वेस्ट हुआ उसको भी एक ज़बरदस्त यहाँ पर मौका दिया, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते थे, बहुत अच्छा रिटर्न दिया। अब देख लीजिए इसका बैलेंस शीट पर ये कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री है, इसलिए इतना अच्छा रिटर्न दिया ये कंपनी। तो हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, तो देख सकते हैं अवनीति फीड्स ये कंपनी का नाम है यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है, देख सकते हैं बिल्कुल डेब्ट फ्री, पिछले दो फाइनेंशियल ईयर से देख सकते हैं बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है, पहले डेब्ट हुआ करता था जो कि निगलिजिबल था, बहुत ही कम डेब्ट था। तो अभी देख सकते हैं ये हमारा 18 और 19 दोनों फाइनेंशियल में जीरो डेब्ट है इस कंपनी के पास। फिर उसके बाद चलते हैं, देखिए नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड अभी आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है हमारा वो कितना है, अभी देख सकते हैं प्राइस है 1443 रुपीज़ और 52 वीक हाई कितना का है 1629 रुपीज़। और इसका जो हम चार्ट देख लेते हैं कि कैसा रिटर्न रहा है इस कंपनी का, चार्ट देखेंगे तो कितना बेहतरीन है, देख सकते हैं चार्ट इस कंपनी का कितना बेहतरीन है, देख सकते हैं कितना का रिटर्न दिया है, 3499% का रिटर्न दिया है ये 2014 से लेकर के 2020 तक में, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं बैलेंस शीट, तो देख सकते हैं नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड ये हमारा कंपनी का नेम है यहाँ पर देख सकते हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट पर, और ये हमारा डेप्ट है, देख सकते हैं डेप्ट बिल्कुल ज़ीरो है, डेप्ट कितना है बिल्कुल जीरो, तो कंपनी का जो डेप्ट है बिल्कुल जीरो है, नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड डेप्ट कंपनी का कितना है बिल्कुल जीरो, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगला कंपनी पर चलते हैं, तो अगला जो हमारा स्टॉक्स है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट टाटा ग्रुप की कंपनी है, देख सकते हैं मात्र अभी मिल रहा है आपको 323 रुपीज़ पर, ये 52 वीक लो 195 रुपीज़ पर आ चुका था, लेकिन अभी जो सिचुएशन है इसमें ये लगातार अप मूव कर रहा है, लगातार अप मूव,
पहले कि हमारा 195 रुपीस पा चुका था, अभी आप देखते हैं इसका प्राइस लगातार अप जा रहा है। और इसका जो आप देखते हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट पर बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। इस कुछ करोड़ रुपीस डेब्ट होगा जो कि कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कंपनी जो है कई लाख करोड़ में बिजनेस करती है, तो 2-3 करोड़ डेब्ट कोई मायने नहीं रखता। चलिए तो आ चुके हैं, देख लीजिए यहाँ से कंपनी का टोटल डेब्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए 4 करोड़ कोई डेब्ट नहीं है कंपनी के पास। जो इसका एसर्ट है और जो नेटवर्थ है देख सकते हैं, 4000 करोड़ का नेटवर्थ है, वहाँ पर 400 करोड़ कोई डेब्ट नहीं होता। ये बिल्कुल एक तरह से कहें तो डेब्ट फ्री कंपनी है। ये 4 करोड़ ये कोई डेब्ट नहीं होता, बहुत ही निग्लिजिबल है, क्योंकि कंपनी का जो देख सकते हैं नेटवर्थ है वो है हमारा 4000 करोड़ में। तो ये बिल्कुल ही डेब्ट फ्री कंपनी है। तो जो 4 करोड़ है, 10 करोड़ है, वो बड़े बड़ी कंपनियों के लिए उतना तो रिजर्व ही रहता, जो कैश रिजर्व आप देखेंगे वो उससे कई गुना होगा। तो जैसे हम देख लेते हैं फिर टाटा के दूसरे कंपनी TCS पे आ गए हैं। देखिए TCS के पास भी आपको कुछ डेब्ट आपको दिखाई देंगे, लेकिन जब TCS का आप बैलेंस शीट पर डेब्ट देखते हैं तो इसका रिजर्व भी देख लीजिए। चलिए हम इसका रिजर्व को देखते हैं, इसके पास कितना कैश रिजर्व है देख सकते हैं। इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, 30,000 करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट भी है, 30,000 इनका इन्वेस्टमेंट है। तो देख सकते हैं कैश देख लीजिए, कैश और बैंक बैलेंस, कैश जो है इस कंपनी के पास वो है 8,900 का कैश है इस कंपनी के पास, कैश जो है बैंक बैलेंस जो है। इसलिए कंपनियां बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड देती है इस तरह की कंपनियां। तो और भी नीचे आएंगे तो आप देख लेंगे बहुत सारा टोटल एसेट कंपनी के पास देख लीजिए कितना बड़ा है, 78,000 करोड़ का कंपनी के पास जो है नेट करेंट एसेट है। देखिए टोटल एसेट है कंपनी के पास। तो ये सब कंपनियां के पास जो 30 करोड़ 32 करोड़ ये कोई डेब्ट नहीं होता, इस तरह से ये कंपनी एक तरह से डेब्ट फ्री है। ये 33 करोड़ ये कोई डेब्ट नहीं है, ये तो कंपनी जब चाहेगी एक सेकेंड में अपना कर्ज ख़त्म कर देगी, क्योंकि इस कंपनी के पास एसेट कैश और बैंक बैलेंस इन्वेस्टमेंट इतना है कि नहीं कहिए। तो ये कंपनी यार बिल्कुल डेब्ट फ्री है एक तरह से। तो आप इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है, जैसे नीचे के प्राइस पर आपको मिलता है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, इसका एक लॉन्ग टर्म में देख लीजिए रिटर्न, देख लीजिए कितना बेहतरीन रिटर्न है, पूरी तरह से चार्ट अप ट्रेंड है, हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। उसके बाद तो ये हमारा था लास्ट। तो कुल कितनी कंपनियां हुआ आप गिन लेंगे, 20 कंपनियां अप्रॉक्स हो गई होगी जो कि बिल्कुल डेब्ट फ्री है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आएगा। तो सबसे पहले अपने सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स लगातार खोजते रहते हैं, बहुत रिसर्च करने पर मिलता है। आपको एक ही वीडियो में सारे स्टॉक्स का कलेक्शन मिला है, तो वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर आगे इसी तरह के वीडियो मिलता रहे तो बेल आइकन दबा दीजिएगा बगल के। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।